नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए अब उनके सम्मान में भारत रत्न की मांग की जा रही है। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह के दो काफ़ी खास चेले थे, जिनकी अब मांग है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने जीवन में जनता के लिए जो काम किया है, इसलिए उनके सम्मान में उन्हें भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार में रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण मंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने मनरेगा की शुरुआत की थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार योजना है और काफ़ी सारे गरीब लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। और अभी भी पूरे कोरोना के वक्त में मनरेगा के जरिए ही केंद्र सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाया था। तो ऐसे में उन लोगों की मांग है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिया जाए। सुनिए दोनों पहले क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों का मांग है कि हमारे दिग्गज नेता, भारत सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। हमारी मांग है कि एक कुशल विद्वान प्रोफेसर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री में जब ग्रामीण विकास मंत्री बने, तो उन्हें मनरेगा जैसा योजना लाया, जिससे पूरा देश और विदेश में भी इनकी चर्चा हुई कि भाई 11 करोड़ खाता खुलवाकर मजदूरों को सीधे गारंटी योजना के तहत उन्होंने काम देने का योजना बनाया। साल में 100 दिन का मजदूरी गारंटी योजना चालू करवाया। आज उनको मनरेगा के जनक के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे रघुवंश बाबू विद्वान पुरुष थे और सबसे अलग हटके, उन पर आज तक भ्रष्टाचार का एक ही मामला नहीं आया। समाजवादी नेता रहे और हमेशा गरीब स्वस्थों की आवाज़ उठाते रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर तुरंत दे। हमारी ये पहले से भी हम लोग कहते हैं कि ये सोशलिस्ट हैं और मनरेगा के लाया हुआ इनका है और मनरेगा के जननायक है। इसलिए हमारे रघुवंश बाबू को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए, जिससे पूरे देश और विदेश में और राज्य में लोग जाने कि हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने इनको मरने के बाद भी इनको सम्मानजनक मरणोपरांत पुरस्कार दिया, वो भारत रत्न के मैं मांगना चाहता हूँ राजद की तरफ से कि रघुवंश बाबू को भारत रत्न मिले। केदार यादव, राजद नेता, भवन वैशाली। पूरे राजद परिवार की तरफ से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू, जिन्होंने जो मनरेगा के जनक थे, जिनकी वजह से पूरे देश के मजदूरों को फायदा हुआ और जो एक बहुत विद्वान एक एसेट थे हमारे राजनीति में, उन्होंने ऐसा ऐसा किया कि जो आज के युवाओं को सीखने की और प्रेरणा के स्रोत थे वो। इसलिए हम सबकी मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। मैं मंजू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद महिला प्रकोष्ठ की, पूरे राजद परिवार की तरफ से ये बात रखती हूँ। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली एम्स में रघुवंश प्रसाद सिंह ने अंतिम सांसें ली। उनके निधन की खबर आने के बाद से ही हर जगह शोक की लहर है, यहाँ तक कि सभी राजनेता अभी भी उनके जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, उसके बाद सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह को लिखा था कि आपने ये क्या कर दिया, आप कहाँ चले गए, इतनी दूर हमसे चले गए कि वहाँ से लाना भी आपको अब मुश्किल है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर क्षति हुई है, एक अपूर्णीय क्षति है राजनीति की। इन सब के अलावा बहुत सारे नेता थे। इनफैक्ट रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जितने भी दल के नेता हैं, हर तरफ से हर लोग उन्हें उनके जाने से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। तो ऐसे में ही आप समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा थी और उनको अंतिम बार देखने के लिए, उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। तो उस वक्त भी जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, उनकी बस एक ही आस थी कि एक बार उनकी दर्शन हो जाए। तो ऐसे में पूरा का पूरा लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ पड़ा था। तो उन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हुए और पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, उसी का हवाला देते हुए ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिया जाए।
ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।